नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लाफ और आल पर्पज पे। अब दोस्तों सेक्शन 95 की बात करेंगे हम। कुछ प्रकाशनों के संपहत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि प्रकाशन मतलब पब्लिकेशन से जिनको अपने कब्जे में ले लिया जाएगा, जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि का किसी समाचार पत्र या पुस्तक में, कोई समाचार पत्र है या कोई पुस्तक है, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, पुस्तक मतलब बुक्स हैं, अथवा किसी दस्तावेज, कोई ऐसा दस्तावेज है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब समाचार पत्र हो गया, पुस्तक हो गई और दस्तावेज, चाहे भाई कहीं भी मुद्दित हो, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 124 का या धारा 153 का या धारा 153 खा या धारा 292 या धारा 293 या धारा 295 का के अधीन दंडनीय है। महाराष्ट्र सरकार ऐसी बात अंतर्विष्ट करने वाले समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति का और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का सरकार के पक्ष में संपहरण कर लिए जाने की घोषणा अपनी राय के आधारों का कथन करते हुए अधिसूचना द्वारा कर सकती है, और तब भारत में जहां भी बाहर मिले कोई भी पुलिस अधिकारी उसे अभिगृहित कर सकता है, और कोई मजिस्ट्रेट उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां ऐसे किसी अंक की कोई प्रति या ऐसी कोई वस्तु, पुस्तक या अन्य दस्तावेज है या उसके होने का उचित संदेह है, प्रवेश करने के लिए करने और उसके तलाशी के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। मतलब यहाँ पे उन्होंने पहली बात की है, किसी समाचार पत्र या पुस्तक में अथवा किसी दस्तावेज में कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है, कोई ऐसा प्रकाशन है जो सेक्शन 1860 के सेक्शन से, जो सेक्शन 124 का दिया है, एक 153 ए है, 153 बी है, 292 है या 295 ए है, ये इससे संबंधित कोई प्रकाशन है और महाराष्ट्र सरकार ऐसी अंतर्विष्ट वहाँ पर समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है या किसी पुस्तक में प्रकाशित हुआ है या किसी दस्तावेज में है, तो उनकी हर एक प्रति को वो जब्त कर सकती है, अभिगृहित कर सकती है, वह कहीं भी पाए या किसी स्थान में पाए जाए तो जाने के लिए तलाशी वारंट कराया जा सकता है, और वहाँ पर जो उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का किसी पुलिस अधिकारी, मतलब जो उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का नहीं हुआ पुलिस अधिकारी, किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसके लिए उसको वारंट द्वारा उसे प्राधिकृत किया जा सकता है। ऐसी वस्तु, ऐसी दस्तावेजों को, ऐसे प्रकाशन को और ऐसे पुस्तक जिसमें ऐसी सामग्री प्रकाशित की गई है। क्लास टू है इस धारा में और धारा 96 में, इस धारा में और धारा 96 में समाचार पत्र और पुस्तक के वे ही अर्थ होंगे जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में है। मतलब इस धारा में जो सेक्शन 95 की बात कर रहे हैं उसमें, और सेक्शन 96 जो आगे आने वाला है उसमें, समाचार पत्र और पुस्तक के वही अर्थ होंगे, समाचार पत्र और पुस्तक के वही अर्थ होंगे जो पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में है। मतलब जो 1867 पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है उसमें जो परिभाषा दी गई है उससे ही उनका मतलब यहाँ पे है, चाहे वो समाचार पत्र हो वो पुस्तक, सेक्शन 95 के लिए भी और सेक्शन 96 के लिए, मतलब प्रकाशन की बात की जा रही है, और जो प्रकाशन की परिभाषा इनके अंतर्गत दी गई होगी पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के अंतर्गत उसकी बात की जा रही है, वो उससे ही मतलब है। ख, दस्तावेज के अंतर्गत रंगचित्र, रेखाचित्र या पोटोचित्र या अन्य दृष्टिरूपण भी है। यहाँ पे उन्होंने कहा दस्तावेज क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या हो सकते हैं, उन्होंने कहा अंतर्गत रंगचित्र हो सकता है जो रंग से बनाए गए हैं, रेखाचित्र हो सकते हैं जो रेखाओं से बनाए गए हैं, या फोटोचित्र हो सकता है या अन्य दृष्टिरूपण हो सकता है जिसमें दृश्य दिखाई देता है, चाहे वो किसी तरह से भी दृश्य बनाया गया हो, रंगों के माध्यम से, रेखाचित्रों के माध्यम से या फोटोचित्र। इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 96 को बंदों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। वहाँ मैंने क्लास टू भी दे दिया, इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश, कोई आदेश पारित किया जाता है या किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब सेक्शन 96 के अनुसार ही कार्रवाई होगी। अब सेक्शन 96 की बात कर रहे हैं, वो संपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन।
जो संप्रारण की घोषणा हुई है, जो जब्त करने की घोषणा हुई है, उसको उसका जो आदेश हुआ है उसको वापस करने के लिए हमको उच्च न्यायालय में आवेदन करना होगा। तो सेक्शन 96 के अंतर्गत हम करेंगे। कैसे करेंगे? नंबर वन, किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में धारा 96 धारा 95 के अधीन संप्रारण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 मास के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर पास कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचार पत्र के उस अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में वह घोषणा की गई थी कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। मतलब जो समाचार पत्र है, पुस्तक है या अन्य दस्तावेज है जिसके बारे में धारा 95 के अंतर्गत कहा गया है, उसको संप्रारण की घोषणा कर दी गई है, तो उससे संबंधित कोई व्यक्ति जो हित रखने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन के 2 माह के अंदर, मतलब घोषणा हुई उसके 2 माह के अंदर, इस आधार पर उसको पास करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि उस प्रकाशन में, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो दस्तावेज हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, सेक्शन 95 के अंतर्गत जो प्रतिबंधित चीज है, संदेहास्पद चीज है, जिस पर संदेह किया गया था, आपत्तिजनक चीज़ है, वो प्रकाशित नहीं हुई है, ऐसा उसको सिद्ध करना पड़ेगा जिसके बारे में घोषणा की गई कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वो अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है उच्च न्यायालय में और राजपत्र में घोषणा के 2 मास के अंदर। ठीक है, अब सेक्शन 96 का क्लॉज 2 कह रहा है जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा, और जहां उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश हैं वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। मतलब उसको सुनेंगे कैसे वो देखना है। उन्होंने कहा जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, जिस उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं तो तीनों के 3 सुनेंगे, 3 न्यायाधीश से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना जाएगा, अवधारित किया जाएगा, सुना भी जाएगा और उसको निर्धारित भी करेंगे। जहां उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश हैं वहाँ ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे, मतलब उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश उसमें उसको बैठेंगे और उसको अवधारित करेंगे। तो 3 की है बेंच तो 3 के 3 बैठेंगे, और यदि 3 न्यायाधीश से बनी विशेष जहाँ उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश हैं वहाँ ऐसी विशेष न्यायपीठ बनाएंगे, न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश उसमें बैठेंगे, तब जाके ऐसे मामले का निर्धारण होगा, अवधारणा होगा। थर्ड, किसी समाचार पत्र के संबंध में ऐसी किसी आवेदन की सुनवाई में उस समाचार पत्र में जिसकी बाबत संप्रहण की घोषणा की गई थी अंतर्विष्ट शब्दों, चिन्हों या दृष्टिरूपणों की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है। मतलब जो विवादित है, और विवादित क्या है, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र में अंतर्विष्ट शब्द, चिन्ह या दृष्टिरूपण जो भी हैं उनके साक्ष्य के रूप में वो समाचार पत्र की वो प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है और साक्ष्य में दी जा सकती है, उसको न्यायालय खुद उसको देख के अवधारण कर सकता है। क्लॉज 4, यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार पत्र के इस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में वह आवेदन किया गया है कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वह संप्रहण की घोषणा को अपास्त कर देगा। उच्च न्यायालय में आवेदन किया और उच्च न्यायालय में जो विवादित था, जो पब्लिकेशन, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे दस्तावेज हो, चाहे पुस्तक हो, और न्यायालय को समाधान नहीं होता कि उसमें सेक्शन 95 की उपधारा 1 संबंधित कोई सामग्री है जिसके कारण संप्रहण की घोषणा की गई थी, तो वो उच्च न्यायालय संप्रहण की घोषणा को अपास्त कर देगा, मतलब संप्रहण नहीं होगा फिर, या हो गया है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। क्लॉज 5, जहां उन न्यायाधीशों में जिनसे विशेष न्यायपीठ बनी है मतभेद है वहां विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। मात्र जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उनकी राय में मतभेद है, तो राय में मतभेद है तो वहां बहुसंख्या के आधार पर राय बनाई जाएगी। मान लीजिए 5 न्यायाधीश हैं या 3 न्यायाधीश हैं, 2 न्यायाधीश एक तरफ और 1 न्यायाधीश एक तरफ हैं, तो 2 न्यायाधीश को बहुसंख्यक मान के उनकी राय को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सेक्शन 96 था दोस्तों। अब अपन सेक्शन 97 की बात करते हैं। सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। सदोष परिरुद्ध
व्यक्तियों के लिए तलाशी, मतलब ऐसे व्यक्तियों को जिनको सदोष दोष सहित परिरुद्ध कर लिया गया है उसके खिलाफ तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो वो सेक्शन 97 है, हम उसको देखते हैं। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट मतलब DM, उपखंड मजिस्ट्रेट DM या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा जो ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थितियों में उचित प्रतीत हो। तो सेक्शन 97 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरुद्ध कर लिया गया है तो उसके लिए तलाशी वारंट जारी कौन कौन कर सकता है, उनने कहा जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है, उपखंड मजिस्ट्रेट कर सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बस फर्स्ट क्लास कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी कंडीशन में परिरुद्ध कर लिया गया है जिसमें उसको परिरुद्ध नहीं करना चाहिए था और न्यायालय को सूचना मिलती है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को आदेशित कर सकता है, ऐसे अधिकारी को आदेशित कर सकता है कि उसका तलाशी करे और तलाशी करने वाला उस अधिकारी तलाशी करेगा और यदि वह परिरुद्ध व्यक्ति तलाशी में मिल जाता है तो न्यायालय के समक्ष तुरंत प्रस्तुत कराया जाएगा और जैसा न्यायालय आदेश करेगा और जैसा उन परिस्थितियों के आधार में न्यायालय को ठीक लगेगा वैसा न्यायालय आदेश करेगा। तो ये सेक्शन 97 है जिसमें किसी सदोष परिरुद्ध व्यक्ति को भी तलाशी वारंट के माध्यम से तलाशी करके छुड़वाया जा सकता है।